कंप्रेशन मेंबर डिजाइन, कॉलम स्ट्रेंथ फार्मूला से मैं स्टार्ट करना था कि हमारे पास कैसे हम कॉलम की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलास। द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे हमने डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा था, हम कहते हैं फी टी टी एन। टी टी वाज द रिडक्शन फैक्टर इन टेंशन एंड टी एन वाज द नॉर्मल स्ट्रेंथ इन टेंशन मेंबर। Here phi c is the reduction factor in compression and pn is the nominal strength in the compression. So phi c pn and the allowable compressive strength pn over omega c if we are using ASD method of compression members whose elements do not exhibit elastic local instability. ये condition जरूरी है कि उसमें किसी किस्म की local elastic local instability नहीं हो, चाहे सिर्फ compact section हो और non-compact section हो। So our given below, phi c is equivalent to 0.9 for LFD and omega is 1.67 आपने पहले use किया हुआ है। Pn is equal to phi c FCR into Ag और FCR हम पहले पढ़ चुके हैं। This is the critical or ultimate compressive strength based on the limit state of flexure, buckling determined as under। कैसे निकालेंगे FCR? Elastic buckling में हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास different cases थे कि हमारे पास शॉर्ट कॉलम है, इंटरमीडिएट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है। हम कहते हैं अगर इलास्टिक बकलिंग होती है तो यहाँ पे क्या होगा, जब के एल ओवर आर इज ग्रेटर देन आर सी, क्रिटिकल स्ट्रेस रेशियो से ग्रेटर होगा तो हमारे पास बेसिकली लॉन्ग कॉलम होगा। हियर वी हैव द इलास्टिक बकलिंग। और यू कैन से दैट द सेकेंड कंडीशन इफ एफ ई इज लेस देन 0.44 एफ वाई, इफ एफ ई is the inverse buckling stress load is less than 0.44 fy, it will be the same case. If this condition is in the stress, in sense of stress and this in sense of slenderness ratio. The FCR का formula उसने हमें दिया है, AISC formula E32 में लिखा हुआ है, FCR is equal to 0.877 fe and this formula is also provided in your design aid. So where fe is the inverse buckling stress and 0.877 is a factor to estimate the effect of out of straightness of about 1 over 1500. मतलब अगर कोई out of straightness हो जाए हमारे कॉलम में initial, तो उसको अगर 1500 मीटर में 1 मीटर की का change हो, 1500 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर कर लिया तो 1 over 1500. कहते इस सेंस में इसको कंसीडर करके 0.877 यूज करते हैं, तो this will be the critical formula that we use for the elastic buckling case. And if you have inelastic buckling case, mean intermediate or no buckling short column, then condition will be when KL over R is less than or equal to RC, RFE is greater than 0.44 FY, then FCR will be equal to 0.658 FY of power FY over FE multiplied by FY. ये E33 formula AASC का है, उसको इसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो ये दो फार्मूले हमारे पास थे, हमें बेसिकली FCR चाहिए था, फिर FCR को यहाँ पुट करेंगे, यू कैन कैलकुलेट द कॉलम्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PCPN R PN over omega C, whatever you want to calculate by using different design approach LRFT or ASD. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कॉलम सेक्शंस फॉर लोकल स्टेबिलिटी। वो कहता है अभी हमने बात की यहाँ पे जी ओनली कम्पैक्ट एंड नॉन कम्पैक्ट सेक्शन की बात की थी, हमने अभी तक पढ़ा नहीं व्हाट इज कम्पैक्ट एंड नॉन कम्पैक्ट सेक्शन। तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉलम सेक्शंस की टाइप्स बता रहा है फॉर लोकल स्टेबिलिटी, अगर लोकल स्टेबल हो तो। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे क्या लिखा था, हुज एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिबिट इलास्टिक लोकल इंस्टेबिलिटी, लोकल इंस्टेबिलिटी ना हो। अब अगर हमें पता होगा कि व्हाट इज लोकल स्टेबिलिटी, देन वी विल बी एबल टू चेक वेदर हियर इज द स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी। तो उसको हम आगे पढ़ने लगे हैं कि व्हाट इज दिस लोकल स्टेबिलिटी टाइप्स ऑफ कॉलम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ कॉम्पैक्ट सेक्शंस। देखिए कॉम्पैक्ट सेक्शन इज वन दैट हैज सफिशिएंटली, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कौन कौन से सेक्शन हमने पढ़े हैं इसमें है भाई? सर किस में सर, ये टेंशन वाले में चैप्टर में, कंप्रेशन में ही हमने पहले कॉलम पढ़े थे, मैंने आपको फ्लैंज का एक टिपिकल नेम बताया था और वेब के लिए एक टिपिकल नेम बताया था इफ यू रिमेम्बर। जहां पे हमने लोकल इंस्टेबिलिटी पढ़ी थी वहां पे हमने कहा था कि सेक्शन हमारे पास किस कंडीशन में है। इफ यू यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ध्यान में नहीं आपके तो ये देखिए,
लिखा हुआ है, ये लिखा है, पढ़े थे दो, स्टीफन एलिमेंट एंड अनस्टीफन एलिमेंट पढ़ लिए थे ना दोनों, ये एक सेक्शन के दो एलिमेंट होते हैं, या स्टीफन एलिमेंट होते हैं या अनस्टीफन, इसके मुताबिक हम देखते हैं वेदर इट इज स्टेबल और नॉट, लोकल इनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं, जिससे हमने लैम्डा कैलकुलेट किया, तो लैम्डा को हम कंपेयर करते हैं लैम्डा पी के साथ। अब हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज द कॉम्पैक्ट सेक्शन एंड नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन। कॉम्पैक्ट सेक्शन इज वन दैट हैज सफिशिएंटली थिक एलिमेंट्स सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ डिवेलपिंग ए फुली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर बकलिंग। वो कहते हैं ऐसा सेक्शन जो कि थिक भी हो, उसके एलिमेंट्स थिक हो, इतने थिक हो कि वो बकलिंग होने से पहले पहले उसमें पूरी पूरी प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फुली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब हमें पता, अच्छा प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बकलिंग होने से पहले पहले तो अपना पूरा मटेरियल स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर ले, इलास्टिक से आगे प्लास्टिक रेंज में भी चला जाए। बट हाउ वी विल नो कि जी ये सेक्शन हमारा बिफोर बकलिंग फुली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर रहा है, डिवेलप कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज इसके अंदर टर्म प्लास्टिक मीन्स स्ट्रेस थ्रू आउट टू द यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस से पूरे मेंबर में यील्ड स्ट्रेस हो चुकी हो, यील्डिंग कहीं एक पॉइंट पे होता है तो हम कहते हैं यील्डिंग स्टार्ट हो गई, पूरा सेक्शन यील्ड हो गया तो इसमें अब प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो गया। कहते इसको चेक कैसे करेंगे, चेक कर रहे हैं उसमें कुछ टेबल्स दी हैं, फॉर ए कंप्रेशन मेंबर टू बी क्लासिफाइड एज कॉम्पैक्ट इट्स फ्लैंज मस्ट बी कंटिन्यूसली कनेक्टेड टू इट्स वेब। पहली बात उसने कहा फ्लैंज जो है वो वेब के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड हो, ये ना कि फ्लैंज की जो हमारे पास विड्थ है वो किस जगह पे कनेक्टेड है, कहीं पे कनेक्शन नहीं है, ऐसा ना हो। पहली बात कंप्रेशन मेंबर कौन से कंपैक्ट कराएंगे, उसमें फ्लैंजेस क्या हों, कनेक्टेड हों कंटिन्यूसली विद द वेब। दूसरी बात आर द वेब्स एंड द विड्थ थिकनेस रेशो, विड्थ टू थिकनेस जिसको लैम्डा हम कह रहे थे, ऑफ इट्स कंप्रेशन एलिमेंट्स may not be greater than the limiting ratios lambda p given in AISC table B4.1 and reproduced in table 3.1. ये table 3.1 है जो कि आपके AISC के table B4.1 है, उसको reproduce यहाँ किया हुआ है। कहते हैं जिसमें जो lambda दिए हुए हैं इन lambda से अगर greater values आपकी आती है, किसकी, width to thickness ratio की, तो हम कहेंगे section हमारा क्या है, compact। दो condition, पहली आपके जो flange है वो web के साथ continuously connected हो, दूसरा विड्थ टू थिकनेस रेशियो कंप्रेशन एलिमेंट की क्या हो, इस लिमिटिंग वैल्यू से मे नॉट बी ग्रेटर देन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखें उसने कहा अगर हमारे पास स्टिफंड अनस्टिफंड एलिमेंट हो डिफाइंड ओनली फॉर फ्लेक्जर, वो कहते हैं इसकी यहाँ जरूरत नहीं, कंप्रेशन में इसको नहीं करते हैं स्टिफंड को, स्टिफंड एलिमेंट हो, फ्लैंजेस ऑफ हॉलो सेक्शन सब्जेक्टिव टू कंप्रेशन, इसकी लैम्डा पी का फार्मूला ये दिया हुआ, उसको कैलकुलेट करके लिख दे A36 के लिए 31.8। ठीक है जी, तो अनस्टिफंड एलिमेंट चेक ही नहीं होते, सिर्फ स्टिफंड को चेक करते हैं, और स्टिफंड के लिए लैम्डा की A36 स्टील के लिए लिमिटिंग वैल्यू ये है, कोई और स्टील होगी तो इस फार्मूले में डालकर उसकी वैल्यू खुद कैलकुलेट कर लेंगे। नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन कौन सा होता है, नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन इज वन फॉर विच द यील्ड स्ट्रेस कैन बी रीच्ड इन सम बट नॉट ऑल ऑफ इट्स कंप्रेशन एलिमेंट्स जस्ट एट द बकलिंग से। वो कहते हैं ये ना कम्पैक्ट के मुकाबले में थोड़ा सा कमजोर सेक्शन है, कैसे, जब बकलिंग होती है तो इसमें यील्ड स्ट्रेसेस पूरे सेक्शन में नहीं होती, कम्पैक्ट में प्लास्टिक हो जो फुली प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है, डिवेलप हो जाता है, क्यों, कि उसके अंदर पूरे सेक्शन में यील्डिंग हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं जो यील्ड स्ट्रेस होती है इन सम बट नॉट ऑल ऑफ इट्स कंप्रेशन एलिमेंट, पूरे में नहीं होती बल्कि कुछ पार्ट में यील्डिंग हो जाती है, इसको नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रीचिंग अ फुली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फुली प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कॉम्पैक्ट में हो जाती है। AAC टेबल B4.1 द नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शंस आर डिफाइंड एज दोस सेक्शंस व्हिच हैव इट टू थिकनेस रेशियो ग्रेटर देन लैम्डा पी बट नॉट ग्रेटर देन लैम्डा आर। अब देखें लैम्डा पी से कम होगी कॉम्पैक्ट है, वो कहता है लैम्डा पी से तो ग्रेटर है लेकिन लैम्डा आर से कम है, ऐसे सेक्शन को नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं एज पर AISC टेबल B4.1। वैल्यूज लिमिटिंग BOT रेशियोस विड्थ टू थिकनेस लैम्डा आर गिवन, लैम्डा पी पीछे दिया हुआ था ना, यहाँ लैम्डा आर भी बता दिए। अब एक आपका सेक्शन लैम्डा पी से ग्रेटर हो गया जिसमें वो कॉम्पैक्ट नहीं रहा, अब क्या वो नॉन कॉम्पैक्ट भी है किसी और में, तो लैम्डा आर चेक करेंगे। अब देखें आप, उसने अनस्टिफंड के लिए दिए हुए हैं, सिंगल एंगल स्ट्रट्स के लिए दिए हुए हैं, सेम्स ऑफ टी है, फ्लैंजेस ऑफ बिल्ट अप आई सेक्शन विद प्रोजेक्टिव प्लेट्स और एंगल्स हैं, सबकी BOT रेशियो लैम्डा आर के फार्मूले भी दिए हुए हैं,
A36 के लिए कैलकुलेट भी की हुई है, ये आपके डिजाइन रेट में भी अवेलेबल होगी। ये स्टीफन वो आंसर स्टीफन डैज में, उसमें भी सेम उसने सारी कैलकुलेट करके दी हुई है लैम्डा आर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जो आपका लैम्डा है, वेदर इट इज बिलो लैम्डा पी कम्पैक्ट, इफ इट इज बिटवीन लैम्डा पी एंड लैम्डा आर इट विल बी नॉन कम्पैक्ट सेक्शन। थर्ड सेक्शन का सिलेंडर कंप्रेशन सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन, देन सिलेंडर कंप्रेशन सेक्शन। These sections consist of elements having width to thickness ratio greater than lambda r, lambda r से भी greater हो, and will buckle elastically before the yield stress is reached in any part of the section। वो कहते इसका ये तो ज्यादा खतरनाक है, ये क्या है ज्यादा खतरनाक, कैसे कि इसमें अभी बकलिंग स्टार्ट नहीं, अभी यील्डिंग स्टार्ट ही नहीं होती, बकल पहले हो जाता है, यानी यील्ड लोड भी नहीं उठा सकता, यील्डिंग भी अभी स्टार्ट नहीं तो उससे पहले ही बकल हो जाता है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे बड़ा लेंथ इससे ज्यादा होती है। कहते हैं स्पेशल डिजाइन प्रोसीजर फॉर सिलेंडर कंप्रेशन सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन E7 ऑफ AIC स्पेसिफिक। वो कहते हैं अगर ऐसे सेक्शन आ जाएं, सिलेंडर कंप्रेशन सेक्शन बन जाए हमारा, तो उसके लिए स्पेशल डिजाइन है जो हम अरे इस कोर्स के साथ नहीं है। हाउएवर इट विल नॉट बी कवर्ड इन डिटेल हियर, देखो सुन लिख भी दिया यहां पर, इस कोर्स के साथ यहां पे कवर नहीं कर रहे, लेकिन सेक्शन E7 में AIC में लिखा है कि सिलेंडर कंप्रेशन सेक्शन को कैसे डिजाइन करना है। Width of unstiffened element for unstiffened elements which are support, वो कहता है अब ये जो stiffened unstiffened की width लेते हैं, ये कैसे लें, measure कैसे करें, कहां से कहां तक लें? For unstiffened elements which are supported along only one edge parallel to the direction of compression force, the width shall be taken as follows। क्योंकि ये पहले उसने क्या किया, unstiffened को define कर दिया, पहले आप पढ़ चुके हैं, unstiffened वो होता है जिसका एक edge supported होता है, दूसरा free होता है, किस डायरेक्शन में, उसका वो एज जो कि पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स होता है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन, उनमें से एक एज क्या होता है कनेक्टेड होता है, दूसरा फ्री होता है। वो कहते हैं इस केस में फॉर फ्लैंजेस ऑफ आई शेप मेंबर्स एंड टीज द विड्थ बी इज हाफ द फुल नॉमिनल विड्थ बी एफ ओवर टू। वो कहते हैं कि अगर आई सेक्शन है या टी है, टी की फ्लैंज ले रहे हैं, इसमें हमें नॉर्मली बी एफ दिया होता है, फुल नॉमिनल विड्थ दी होती है, उसको हाफ करते हैं बी के बराबर ले लेते हैं, बी और टी करने के लिए। For legs of angle, the width B is the longer leg dimension। हमेशा याद रखना कि एक angle section में हम longer direction पर compression करते हैं, shorter को नहीं करते। इसलिए पहले मैं पढ़ चुका था, इसलिए कहा width B जो है वो longer leg लेंगे, shorter नहीं लेंगे। For flanges of channels and Z's, Z section है या channel ले रहे हैं, width B is the full nominal dimension, क्योंकि इसमें channel या Z में B ही width होती है flange की, इसलिए उसने कहा full ले लेंगे भी। For plates, the width B is the distance from the free edge to the first row of fasteners or line of weld। वो कहता है free edge से लेकर जहाँ पहला free edge की तरफ से चलेंगे connection की तरफ support की तरफ, तो पहली पहली line आपको fastener की मिलती है या पहला weld line मिलती है उस जगह तक dimension ले लेंगे, तो वो आपकी width होगी plates की। For stem of T's, T की stem लेनी है क्योंकि T की stem भी unstiffened होती है, T की flange भी unstiffened होती है। Stem of T's, D is taken as the full nominal depth। अगर D को ही full nominal depth ले लेते हैं, width ले लेते हैं। Okay, where is the stiffened element? अगर stiffened है तो कैसे लेंगे? For webs of rolled or formed section, for hot rolled, cold formed, rolled को hot rolled basis, formed being cold formed, H is the clear distance between the flanges less the fillet or corner radius at each flange, and HC is the twice the distance from the centroidal axis to the inside face of the compression flange less the fillet or corner radius। वो कहते दो तरीके हैं, अगर आपने टोटल H लेना है तो H जो लेना, कैसे लेना है, पूरे सेक्शन की डेप्थ लें, क्लियर डिस्टेंस दोनों फ्लैंजेस के दरमियान क्लियर डिस्टेंस लें, उसमें से फिलेट या कोई कॉर्नर रेडियस उसको निकाल दें। फिलेट कहते हैं क्रॉस ट्रायंगुलर वेल्ड को, अगर कहीं तक वेल्डिंग प्रॉपर हुई भी है उस जगह को भी एच में से निकाल। अगर एच सी ले रहे हैं, एच सी बेसिकली सेंट्रोइडल एक्सिस से लेते हैं, तो एच सी क्योंकि हमें तो टोटल एच चाहिए, एच सी की फॉर्म में लेंगे तो सेंट्रोइडल एक्सिस से एक साइड जरब दो, जिसने लिखा है कि ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द इनसाइड फेस ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज लेसर द फिलेट और कॉर्नर रेडियस। देखता हूँ यहाँ पे सबको फिलेट की शेप नहीं है तो अभी तो नजर नहीं आ रही, मे बी इन द बुक वी हैव, कि फॉर वेब्स ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, अगर बिल्ट अप सेक्शन हो तो एच इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर लाइंस ऑफ फास्टनर्स आर द वेब, और क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंजेस व्हेन वेल्ड्स आर यूज्ड
एक्सिस ट्वाइस ले लेते हैं, सेंट्रल वाला एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं। एच पी इज द ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा एक होता है एच सी सेंट्रोइडल एक्सिस, एच पी होता है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, ये टर्म्स पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अगर प्लास्टिक डिजाइन करते हैं तो हमें इसकी यूज करना पड़ता है। एच पी इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ द फास्टनर एट द कंप्रेशन फ्लैंग। सिर्फ एच सी में सेंट्रोइडल एक्सिस फास्ट लेते हैं, इसमें प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फास्ट लेते हैं, बाकी कहानी सेम ही है। ओके अगली चीज है मॉडिफाइड सिलेंडरस रेशियो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कहते जब आप कनेक्शन करते हैं ना तो डिफरेंट टाइप के कनेक्शन होते हैं आपके कंप्रेसिव मेंबर में। एक कनेक्शन को कहते हैं स्नग टाइट कनेक्शन। स्नग टाइट कनेक्शन होता क्या है, वो कहते हैं इट इज द टाइप इन विच द प्लेट्स इन्वॉल्व्ड इन अ कनेक्शन आर इन फर्म कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दोनों बड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है बट विदाउट एनी डिफाइंड कॉन्टैक्ट प्रेशर। लेकिन कहता कॉन्टैक्ट प्रेशर डिफाइंड नहीं होता इसमें, यानी आप चूड़ी कितनी टाइट करनी है जितनी मर्जी कर दें, स्क्रू टाइट से ये लेबर टू लेबर जो आपका प्लम्बर है उसके मुताबिक चेंज हो रही होगी, ठीक है, स्टील फिक्सर के मुताबिक चेंज हो रही होगी। तो इसलिए कहता है इस पर कोई पहले से कॉन्टैक्ट प्रेशर को डिफाइन नहीं करते, लेकिन दोनों प्लेटें आपस में जो कनेक्ट कर रही हैं वो फर्मली कनेक्टेड होती है, दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। इट यूजुअली मीन्स द टाइटनेस ऑब्टेन्ड बाय द फुल एफर्ट ऑफ अ मैन, लिखा भी आगे विद अ रेंच, और द टाइटनेस ऑब्टेन्ड आफ्टर अ फ्यू इंपैक्ट ऑफ एन इंपैक्ट रेंच। वो कहते हैं इंपैक्ट रेंच करते हैं, उसके इंपैक्ट देते हैं कुछ, या रेंच है तो एक रेंच से एक आदमी अपना फुल जोर लगा के टाइट कर दी। ऑब्वियसली देर इज सम वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ टाइटनेस ऑब्टेन्ड अंडर दीज कंडीशन। कहते हैं लाजमी बात है एक बंदे के अंदर जोर ज्यादा है वो ज्यादा टाइट कर देगा, जितने जोर कम है वो कम टाइट करेगा, तो थोड़ी सी वेरिएशन रह जाती है। द टाइटनेस इज मच लेसर देन द टेंशनिंग ऑफ द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। याद रखें कि जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट उसकी टेंशन से टाइटनेस थोड़ी कम रखते हैं ताकि बोल्ट ही ना टूट जाए टेंशन। एक होता है टर्न ऑफ नट मेथड, ये हमने क्या पढ़ाया आपको स्नग टाइट कनेक्शन। दूसरा पढ़ रहे हैं टर्न ऑफ नट मेथड, कहते हैं आफ्टर द टाइटनिंग ऑफ नट टू अ स्नग फिट The specified pretension in high strength bolts may be controlled by a predetermined rotation of the wrench. This is called the turn of nut method of fixing the bolt. Then turn of nut, समझ आ रहा है? एक नट के टर्न नोन होंगे, स्नग टाइट, एक को बस टाइट कर देंगे लेकिन अपनी मर्जी से करेंगे। टर्न ऑफ नट, नट के टर्न नोन होंगे। वो कहते हैं इसके अंदर क्या होता है टर्न ऑफ नट में, जो प्री टेंशन होती है ना वो पहले से हमें पता होती है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की, तो हम उसमें डिटरमिन करते हैं जी इसमें हम कितनी रोटेशन देंगे कि इसमें इतनी टेंशन डेवलप हो जाए हमारे बोल्ट में, उतनी ही रोटेशन देते हैं, काउंट करके उतनी ही रोटेशन देते हैं। अगर जो शीयर कनेक्शन स्टे प्लेट्स बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए बिल्टअप मेंबर, ये दो चम्मच समझ आ गई कि सिलेंडर रेशियो क्या होती है, स्लगटाइट कनेक्शन एक तो हमारे, दूसरा टर्न ऑफ नट मेथड। आगे इसके फार्मूले भी आएंगे कि कौन सा कनेक्शन किया है तो उसमें क्या करें आप, उसको मॉडिफाई कैसे करें सिलेंडर रेशियो को। अच्छा शीयर कनेक्शंस स्टे प्लेट्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ बिल्ट अप सेक्शन। देखें जब दो एंगल आप डबल एंगल कर रहे हैं उसके दरमियान क्या करेंगे, स्टे प्लेट लगाएंगे या बिल्ट अप सेक्शन में दरमियान में क्या देंगे, स्टे प्लेट्स देते हैं वक्फे वक्फे से। ऐसे कोई शीयर कनेक्शन दे रहे हैं कि जगह जगह पर कनेक्शन प्रोवाइड किए, तो बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर्स कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर हॉट रोल्ड शेप्स शैल बी कनेक्टेड वन अनदर एट इंटरवल्स बाई स्टे प्लेट्स। इसी को शीयर कनेक्टर कहते हैं, इसी को शेयर। वो कहता है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा हार्ड रोड शेप को मिलाकर कोई बिल्ट अप सेक्शन बनाते हैं ना, तो इस पर इंटरवल्स पर कुछ प्लेटें लगाते हैं खास फासले पर, इन प्लेट्स को इसको स्टे प्लेट भी कहते हैं और इनको शेयर कनेक्टर्स भी कहते हैं। सच दैट क्यों लगाते हैं, क्यों द मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो ए ओवर आर आई ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट बिटवीन द फास्टनर्स डज नॉट एक्सीड द गवर्निंग सिलेंडर रेशियो the bilter member that is the greater value of kl over rx or kl over y for the whole section. wo kehta hai hamari condition kya hote hai, hum kehte hain ki j kl over r about x axis bhi le le about y se in mein se jo greater value hoti hai wo hamari governing value matlab compression mein 200 hai tension mein isse zyada nahi honi chahiye. kehta agar kisi built up ki aa rahi ho hum in stay plates ke zariye se iski kya karte hain jo cylinder maximum cylinder ratio hota hai a aur r individual element ki wo kam ho jati hai governing se kam ho jati hai. to shear connectors are also required to transfer shear between elements of a built up member that is produced due to buckling of the member. kehta sometimes buckling se kya hota hai shearing hota hai buckle kar raha hai ek cheez do plate alag alag hai jab unko buckle karenge to ho sakta hai ek plate weak ho jaldi buckle dusri to der se ho to dono aapas mein kya jayengi
ऊपर नीचे स्लाइड कर जाएंगे, शेयरिंग हो जाएगी, मतलब इस शेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए भी शेयर कनेक्टर इस्तेमाल हो जाते हैं। अब मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप दो बांस ले लें इकट्ठे खड़े कर लें, दोनों को एक नीचे से बांध लें और सब ऊपर एज से बांध के खींचे मोड़ें, मोड़ेंगे तो दोनों बांसों की जो बकलिंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं दरमियान में मिसाल के तौर पर सीढ़ी ले लेते हैं, सीढ़ी सीढ़ी पे क्या होता है, दो बांस होते हैं उसके पास जगह जगह पर, उसने फुट स्टेप लगाए होते हैं कीले लगाकर, ये स्टे प्लेट है इसके, इट इज एक्टिंग लाइक अ शेयर कनेक्टर। अब अगर मैं इसको बैंड करता हूँ तो दोनों बांस एक जैसे बैंड होंगे, बिकॉज दोनों के दो ब्रेसिंग एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, वहां बकलिंग होती नहीं है। ओवरऑल कॉलम में बकलिंग कर रहे हैं लेकिन दो फुट स्टेप्स के दरमियान कोई बकलिंग नहीं हो रही, इस वजह से ये एज अ शेयर एलिमेंट यूज करते हैं, इसको हम स्टे प्लेट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको शेयर कनेक्टर भी कह सकते हैं। वाजे होगी बात। अच्छा अब इसमें कहते हैं कुछ नोटेशन, कुछ नोटेशन यहाँ पे यूज होंगे, फॉलोइंग नोटेशन यूज इन फर्दर डिस्कशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्पेसिंग ऑफ शेयर्स। अब शेयर कनेक्टर लगाने कितने फासले पर है, स्टे प्लेट की स्पेसिंग कितनी देनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टे प्लेट का डिजाइन बस इतना ही होता है कि जिसकी कितनी स्पेसिंग देनी है, थिकनेस कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी देनी है, बस दैट्स इट। अब वो कहते हैं स्मॉल ए डिस्टेंस बिटवीन कनेक्टर, दो कनेक्टर के दरमियान जो फासला होता है शेयर कनेक्टर का, उसको स्मॉल ए से शो करते हैं। आर आई मिनिमम रेडियस जायरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक प्लेट का मिनिमम रेडियस जायरेशन आर आई कहते हैं। ए और आर आई इज द लार्जेस्ट कॉलम स्लेंडरनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, यहाँ सब जब हम इसको मिनिमम लेंगे तो ए और आर आई मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा, क्या खरीद आर आई मिनिमम ले रहे हैं ना, जब मिनिमम वैल्यू डिवाइड होती है तो मैक्सिमम आंसर आता है, तो ए और आर आई क्या होगा, लार्जेस्ट और मैक्सिमम कॉलम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। RIB radius of gyration of individual component relative to its centroidal axis parallel to member axis of buckling. KL or R naught column slenderness of built-up member acting as a unit. KL or R M M for modified, O for origin. ठीक है? तो modified column slenderness of the built-up member as a whole. Alpha separation ratio H over 2 RIB and H is the distance between centroid of individual components. क्या होती है तो मॉडिफाइड कैसे निकालेंगे, लाजिम बात आपने स्टेपल डाली है तो आपके ओवरऑल मेंबर की जो स्लेंडरनेस रेशियो वो मॉडिफाई हो गई है। मॉडिफाई निकालने के हमने दो चीजें पढ़ी, या स्नग टाइट होगा या टर्न ओवर नट होगा। ठीक है, if the buckling mode of a built up compression member involves relative deformation that produces shear force in the connectors between individual parts, the modified slenderness ratio is correct as follows. Kaise snug tight bolted connector KL over R modified, KL over R not square plus A over R I square square root. A over R I bhi nikalna seekh liya, KL over R not bhi nikalna seekh liya.